हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? हम सब यहाँ पे एकदम ठीक हैं। बाकी आज सुबह सुबह का मौसम बड़ा सही हो गया है, आप सब देख सकते हैं काफ़ी बादल हो रखे हैं। और वैसे तो काफ़ी गर्मी है दुबई में, बट आज एकदम से ठीक है मौसम, ठंडा ठंडा सा है। और सुबह सुबह संध्या ने भी मुझे भेज दिया है, क्योंकि सुबह मन कर रहा था साउथ इंडियन कुछ खाने का, तो बोले बैटर लेके आओ, तो मैं जा रहा हूँ बैटर लेने। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पार्किंग एरिया, यहाँ पे गाड़ियाँ ज़्यादातर अच्छी वाली जो बड़ी बड़ी हाई क्लास गाड़ियाँ हैं वही ज़्यादातर लोग लेना पसंद करते हैं। एक्चुअली चीज़ क्या है कि यहाँ पे प्राइसेस का जो डिफरेंस है ना वो इतना ज़्यादा है ना, कि उसकी वजह से लोग सोचते हैं कि जो प्राइस हम इंडिया में पे करके छोटी गाड़ी लेते थे उसी प्राइस में यहाँ पे बड़ी गाड़ी मिल जाती है आसानी से। जैसे कि आप फॉर्चूनर का ही ले लें, तो फॉर्चूनर हमारे यहाँ पे अराउंड पेट्रोल ऑटोमेटिक अराउंड 40 लाख के आसपास की पड़ती है, एंड वही सेम फॉर्चूनर 123,000 दिरहम्स के आसपास पड़ती है, मतलब समहाउ इंडियन करेंसी में हम लगाएं तो 27 लाख के आसपास, तो अराउंड 13 लाख के आसपास का डिफरेंस हो जाता है। तो उस वजह से आदमी सोचता है कि जब इतना डिफरेंस है और इतनी सस्ती मिल रही हैं गाड़ियाँ यहाँ पे, तो वो अच्छी गाड़ी और बड़ी गाड़ी लेने ही प्रेफर करते हैं। साथ में पे स्केल भी यहाँ पे कंपैरेटिवली अच्छा है हमारे इंडिया से, तो अफोर्ड करने में भी ईजी होती है और पेट्रोल भी सस्ता है तो ईजी होता है अफोर्ड करने में, तो इसलिए बड़ी और भारी गाड़ी लेना ही पसंद करते लोग। शौक भी पूरे हो जाते हैं और ज़्यादा भारी भी नहीं पड़ती है। एंड अभी हमारी संध्या की शॉपिंग ख़त्म ही नहीं हुई है, कल हमने लिया था लैपटॉप और आज फिर ये शॉपिंग के लिए बोल रही है जाने के लिए। आज के लिए क्या ना सैंडी? माइक्रोवेव। लो अभी ना माइक्रोवेव भी चाहिए चुछ चुछ। आपके लिए नहीं। आपके लिए चुछ रहे नहीं, कैटरपिलर। साहिब भैया के लिए कैटरपिलर हो गया, इनको माइक्रोवेव चाहिए। वैसे माइक्रोवेव की ज़रूरत है क्योंकि ना खाना गर्म करने में दिक्कत आती है। वैसे इनबिल्ट उसमें जो यहाँ के गैस स्टोव्स हैं उसमें है ओवन है, लेकिन उसमें खाना गर्म होने की दिक्कत आती है, तो माइक्रोवेव की ज़रूरत भी थी। तो चलिए देख लेते हैं, शायद अगर यहाँ पे कुछ अगर ऑफर चल रहा होगा, रमादान ऑफर चल रहे हैं, तो कल तो इसको ध्यान नहीं आया कि कल लेना, तो वहीं पे थे ऑफर्स तो वहाँ से ले सकते थे। लेकिन चलिए आज लुलू में जाके देखते हैं, शायद मे भी अच्छा ऑफर मिल जाए, अगर मिलेगा तो फिर उठा लेते हैं माइक्रोवेव भी। करने आए ना संध्या के संग, ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सेक्शन में, इलेक्ट्रिकल सेक्शन में, लेकिन आके अभी हम घूम रहे हैं कपड़ों के सेक्शन में, साइकिल व्हीकल के सेक्शन में, और पता नहीं गायब भी कहाँ हो गई है। कह भैया मम्मा है तो ढूंढो, चलो ढूंढते हैं, चलो ढूंढते हैं, ढूंढ ले पहले। देखो ये मम्मा पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है ना, तो उनके पास काफ़ी हैं वैराइटीज़, पैनासोनिक, एलजी, मतलब ब्रांड्स भी काफ़ी सारी हैं। अब देखते हैं संध्या को कौन सी पसंद आती है इनमें से। एक्चुअली छोटा ही लेंगे माइक्रोवेव, क्योंकि ओवन तो ऑलरेडी इनबिल्ट है हमारी स्टोव में, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, खाली रीहीट के लिए चाहिए। तो इनमें से कोई छोटा सा देखेंगे, लाइक ये जो है कैनबोर्ड का है और ये अलग अलग कंपनी सैमसंग एलजी का है, इनमें से कोई सा देखते हैं, इनमें से देखते हैं संध्या को कौन सा पसंद आता है और वही लेंगे फिर। ये आपका मीट है, पूरी तरह का स्टार्टर है, ये आपका डिफ्रोस्ट के लिए अभी चलूंगी फ्रिज का फूड आना है, ये प्लस करो स्टार्ट करो सर, आइस हो जाएगा, ये आपका स्टॉक के लिए कौन सा ठीक लग रहा है सैंडी? एक्चुअली उन्होंने बोला है कि ये मतलब आ जाना, हां इसमें खराब होने के ज्यादा चांसेस होते हैं, पेन पूरा चेंज करा, ये वाला फाइनल किया है हमने। हां ये डिस्प्ले पीस है, भैया ने बॉक्स निकाल दिया है। कितने का पड़ रहा है? सही लग रहा है तुमको? हाँ, ये चलो ठीक है। एक राइस कुकर भी लेना। राइस कुकर? हाँ। कितने का है? 75। मैं कुकर में उबाल दूंगा, टेंशन मत ले। चलो चलो बस बस बस। साहिब भैया शेयर कर लो यार, साहिब तुम खा गए, एक तो दे दो हमको। मम्मा को आपने एक दिया, मुझको तो आपने एक भी नहीं दिया, मुझको तो दे दो एक। मम्मा को दे दोगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा ना, मम्मा का नहीं, आप मेरे को दे दो यार, आपने 4 खा लिया, अभी ये वाला मुझको दे दो एक, ये वाला आप खा लो, दे दोगे? थैंक यू सिम्बा।
वैसे तो कुछ खाएगा नहीं, और अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाएगा ना तो फिर शेयर भी नहीं करता है। पूरे मोमोज अकेले टप गया है, बस एक मोमो दिया हमको, मैं दोनों को मिला के। एंड गाइस घर पहुंच चुके हैं, तो चलिए इसे खोल के देख लेते हैं एक बार अंदर से। सो सैंडी हैप्पी? या सो वेरी मच। तुम्हें जरूरत भी थी आई थिंक, है ना? बहुत दिन से तुम कह रही थी जरूरत थी माइक्रोवेव की ना, क्योंकि खाना कुछ भी थोड़ा बहुत खाना गर्म करना होता है ना, तो उसके लिए वापस से पूरी किचन गैस तैयार करनी पड़ती है। अभी क्या है ना, आप इजीली इसमें डाल के गर्म कर सकते हो, और फिर हमें बहुत टाइम से आदत है ना माइक्रोवेव यूज करने की। ठीक है, 22 लीटर्स का है ना। ठीक है, बढ़िया है, चलो कॉन्ग्रेचुलेशन सैंडी। YouTube। चलिए गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।